बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रांसपायरेशन यानी वात्पोत्सर्जन यानी पौधों में जल का जो पाए जा रहे हैं जल और जारण करते हैं उनका अवशोष कैसे ऊष्मा के रूप में जो बाहर निकालते हैं वो किस तरीके से इसमें होता है तो उसके बारे में। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वाष्प प्लस उत्सर्जन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो होता है दो शब्दों से वाष्प प्लस उत्सर्जन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वाष्प मतलब कह सकते हैं इसको हम भाप या जल और उत्सर्जन यानी बाहर निकलना यानी भाप के रूप में जो पौधों से जल बाहर निकलते हैं उन्हीं को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इनकी हम सही तरीके से परिभाषा कर सकते हैं कि जो भी पौधे होते हैं वो जल को जड़ों द्वारा यानी पौधे जो पाए जा रहे हैं जो पौधे होते हैं कह सकते हैं तो इनकी जो जड़ें होती हैं इन जड़ों द्वारा ये जल को एब्जॉर्ब करते हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाते हैं और वहां से ये जो जल से यहाँ जड़ों द्वारा ये मिट्टियों से जड़ों द्वारा जो जल को एब्जॉर्ब करते हैं अवशोषित करते हैं उनको ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। और इसके वायवीय भाग यानी ऊपरी भाग जो पाए जाते हैं पत्तियों के वायवीय भाग से पौधों के वायवीय भाग द्वारा ये वाष्प के रूप में जल को बाहर निकाल देते हैं तो उन्हीं को हम ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं या सीधा कह सकते हैं पौधों के वायवीय भागों द्वारा पौधों जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपायरेशन यानी उसको वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं फोटोमीटर द्वारा मापते हैं ट्रांसपायरेशन को हम फोटोमीटर द्वारा मापते हैं ये इसके मापने के लिए प्रयोग करने वाला मापक यंत्र होता है प्रोटोमीटर जिसके द्वारा हम ट्रांसपायरेशन को मापते हैं। अब उसके बाद हम इसको देखते हैं फिगर के माध्यम से कि किस तरीके से ट्रांसपायरेशन में वाष्प के रूप में जल बाहर निकलते हैं। तो जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं इसमें प्रदर्शन के रूप में कि हमने इसमें सबसे पहले इस फिगर के लिए प्रयोग करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले एक हम गमला लेते हैं यानी जो यहाँ पे पौधे से लगा हुआ है गमला लेते हैं और उसके बाद उस गमले को हम जल से सींचते हैं यानी पानी से उसको हम सींच लेते हैं। सींचने के बाद हम उसको एक पॉलीथीन कवर यानी जो पॉलीथीन कवर पाए जाए उससे उसको ढक देते हैं गमले को उसके बाद आगे उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर हम कह सकते हैं एक बेलजार लेते हैं कांच का जार देते हैं और उसके बाद एक ग्लास प्लेट लेते हैं ग्लास प्लेट को रखते हैं और उसके बाद ग्लास प्लेट पे एक वासलीन लगा देते हैं और उसके बाद पौधे को रख देते हैं। पौधों के रखने के बाद ऊपर से इसको ढक देते हैं जार से और उसके बाद इसको धूप में रख देते हैं आधे घंटे के लिए या दो घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ समय बाद इसमें देखते हैं कि जो जल पाए जा रहे हैं वो इसके जो जार होते हैं जार के ऊपरी हिस्से पे जाके एकत्रित हुए रहते हैं और वो भी ड्रॉप के रूप में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पौधों में ट्रांसपायरेशन जो होता है जड़ों द्वारा यानी जो जल पाए जाते हैं उनके द्वारा जार होकर वो ऊपर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं और उनके द्वारा वो कह सकते हैं भाप के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि कैसे पौधों में ट्रांसपायरेशन पौधों के वायवीय भागों द्वारा होता है। अब उसके बाद हम ट्रांसपायरेशन के बाद आते हैं इसके कैसे प्रकार के यानी ट्रांसपायरेशन कितने प्रकार के होते हैं यानी इसके टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार यानी इसको हम तीन भागों में बांटे हैं बांट सकते हैं या तीन भागों में बांटा गया है कह सकते हैं। पहला आपका है स्टोमेटा जिसे बोलते हैं रंग। दूसरा है क्यूटिकुलर जिसको बोलते हैं उपवात रंग। और तीसरा है लेंटिकुलर यानी इसको बोलते हैं वातरंग इसको उपवातरंग या उप त्वचा रंग कहते हैं।
ठीक। अब हम आते हैं पहले पे इस्टोमेटा या कह सकते हैं रंध्र, यानी इस्टोमेटा ये जो होते हैं इसके द्वारा, यानी जो ये इस्टोमेटा होते हैं ये पत्तियों के कह सकते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं सबसे ऊपरी भाग में, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उन्हीं को इस्टोमेटा बोलते हैं, जो कि इनके द्वारा ट्रांसपायरेशन 80 से लेके 90% यानी 90% इनके द्वारा ट्रांसपायरेशन होता है। यानी कोई भी पत्ती है कह सकते हैं तो इन पत्तियों के में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें को हम इस्टोमेटा बोलते हैं, और जिनके द्वारा इनमें ट्रांसपायरेशन होता है। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन इस्टोमेटा के द्वारा होता है, जो कि 80 से 90% यानी कह सकते हैं 80 से 90% ट्रांसपायरेशन इस्टोमेटा के द्वारा होता है, ये पत्तियों में पाई जाती है। अब उसके बाद दूसरा आता है क्यूटिकुलर, यानी कह सकते हैं क्यूटिकुलर को उपत्वचा रंध्र या उपवात रंध्र जिसे कह सकते हैं। अब ये जो होते हैं ये कह सकते हैं जो पत्तियां पाई जा रही है, जैसे पत्तियां जो पाई जाती है बताया गया था इन पत्तियों के ऊपर, यानी क्यूटिकल यानी रोम की, जैसे हम लोगों के ऊपर जैसे हाथ देखते हैं तो हाथों में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिनके, वैसे इन पत्तियों में छोटे छोटे क्यूटिकल यानी हेयर रोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनमें कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है। और ये कह सकते हैं इनमें जो पाए जाते हैं 3 से 9% यानी 3 से 9% वातोत्सर्जन क्यूटिकुलर के द्वारा होता है, यानी उपत्वचा, जिसके कारण इसको उपत्वचा बोलते हैं क्योंकि ये पत्तियों के ऊपरी सिरे में रोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक। अब उसके बाद लास्ट में आता है क्यूटिकुलर, जिसको बोलते हैं वातरंध्र। क्यूटिकुलर मतलब वातरंध्र, जो कि कह सकते हैं ये तनों में पाया जाता है, यानी ये तनों में प्लस उसके कुछ अन्य पार्टों में, यानी ऊपरी सिरे में छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, कह सकते हैं मसूर। लेंटिकुलर मतलब मसूर के दाने के आकार के पाए जाते हैं, जो कि ये कम में पाए जाते हैं, कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, जिनके इनके द्वारा 0 से 1% वास्तुसर्जन क्यूटिकुलर द्वारा होता है। तो जिसमें पहला आप लोग ने पढ़ा इस्टोमेटा, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा इनके द्वारा वास्तुसर्जन होता है। दूसरा क्यूटिकुलर जिसे कहते हैं उपत्वचा, जो कि कह सकते हैं 3 से 9% इनके द्वारा पाए जाते हैं वास्तुसर्जन होते हैं। और लास्ट में लेंटिकुलर यानी वातरंध्र, जिनके द्वारा 1 से 0.1% इनमें वास्तुसर्जन होते हैं, जो कि ये तनु द्वारा होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं मैकेनिज्म, यानी इनकी क्रियाविधि कह सकते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लोजिंग ऑफ इस्टोमेटा यानी कह सकते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, यानी कह सकते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ठीक। अब ये किस तरीके से कार्य करते हैं इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर मैकेनिज्म, जो कि कहा गया है कि ये पत्तियों में पाए जाते हैं, इनके तनों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये पत्तियों में पाए जाते हैं, जो कि इनमें कहा गया है कि ये एक रंध्र होते हैं, जो कि ये उसमें सेल्स के रूप में वाल के रूप में पाए जाते हैं। तो जिसमें बताया गया सबसे ज्यादा यानी पौधों में ट्रांसपायरेशन जो होते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा होते हैं। तो जिनमें कहा गया कि इनमें जो क्रिया होती है, इनकी क्रिया जो होती है ये इस्टोमेटा यानी जो रंध्र पाए जा रहे हैं इन रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करती है कि जब ये खुलते हैं तो इनमें ट्रांसपायरेशन होगा या बंद होते हैं तब ट्रांसपायरेशन। तो वो सारी क्रियाएं इन्हीं पे निर्भर, रंध्रों के खुलने और बंद होने पे निर्भर करती है। तो जिसमें आप लोग फिगर में देख रहे हैं जो कि गार्ड सेल होते हैं, ये सब गार्ड सेल में जिनको कहा गया है रक्षक कोशिका, गार्ड सेल या रक्षक कोशिका कहते हैं जिनको, गार्ड सेल यानी जो बताया गया ये गार्ड यानी कहा गया है गार्ड सेल। गार्ड सेल या रक्षक कोशिका इनको बोलते हैं, रक्षक कोशिका जो कि रंध्रों में पाई जाती हैं। अब ये होते हैं कि इनके खींचने और कह सकते हैं सुगुड़ने से इनमें कह सकते हैं ओपन और रंध्र जो होते हैं खुलते और
बंद होती है। जैसे बताया गया कि ये न्यूरॉन होते हैं, इनमें या ग्वाल पाई जाती है जो कि अंदर की परत जो पाई जा रही है, परत जो पाई जा रही है, इनको इनर वाल गार्ड सेल बोलते हैं। और जो बाहरी तरफ पाई जा रही है ये, यानी ये काव्यात्मक यानी मोटी होती है, यानी ये जो पाए जाते हैं इनर ये मोटे होते हैं और जो आउटर होते हैं थिन होते हैं, यानी पतले होते हैं, यानी बाहर तरफ जो पाए जाते हैं आउटर वाल जो होते हैं पतली होती हैं, गार्ड सेल होते हैं पतले होते हैं, और बीच बीच में यानी इनमें न्यूक्लियस पाई जाती है, यानी ये न्यूक्लियस पाई जाती है। अब इसमें आता बात किस तरीके से करते हैं, जब ये रंग यानी ये जो पौधे जब जड़ों द्वारा जल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, तब इनमें जल की मात्राएं अधिक हो जाती हैं और ये फास्फोरिलेज के एंजाइम द्वारा क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद ये माल्टोज यानी कह सकते हैं स्टार्च और कह सकते हैं शुगर का निर्माण करते हैं, शुगर का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, जब ये कह सकते हैं जल यानी पौधों की जड़ों द्वारा, जैसे जो पौधे पाए जा रहे थे इन पौधों की जड़ों द्वारा जब ये जल विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, इनमें जब इनके विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं तभी इनमें जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र जो होते हैं जल को अब्जॉर्ब करते हैं और इनमें रंध्र की मात्रा यानी जल की मात्रा अधिक होने लगती है, यानी बढ़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये ज्यादा होने पे ये बाहर की तरफ खींचने लगते हैं, यानी ये खींच जाते हैं, यानी जब इनमें कह सकते हैं जल अब्जॉर्ब जो होता है अधिक हो जाता है तो ये बाहर की तरफ खींच जाते हैं, जिनके कारण इनकी आंतरिक परत और बाहरी परत दोनों बाहर की तरफ खींचने लगती है, जिनके कारण ये ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं जी, और इनमें कह सकते हैं खुल जाते हैं और ये इसमें कह सकते हैं वास्तुसृजन होने लगता है। और ये खुलते कैसे हैं, यानी जब खुलते हैं तो इनका कारण क्या है, क्योंकि इनमें बताया गया है आपको जब ये जल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसमें फास्फोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्य करते हैं, और कह सकते हैं कार्य करने के बाद ये दिन के समय ये शुगर का यानी जब ये कह सकते हैं शुगर का निर्माण करते हैं, दिन के समय ये शुगर का यानी डे में ये शुगर का और नाइट में ये स्टार्च का निर्माण करते हैं, यानी जब दिन होता है तब ये कह सकते हैं फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्य करके ये सुक्रोज यानी शुगर का निर्माण करते हैं, यानी शर्करा का निर्माण करते हैं, जिनके कारण ये कह सकते हैं ओपन हो जाते हैं। और यही जब अंधेरा हो जाता है, शाम होने लगती है, धीरे धीरे ये जो शुगर होते हैं धीरे धीरे ये मंड यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और ये बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें जो रक्त कोशिकाएं पाई जा रही हैं, रक्त रंध्र पाए जा रहे हैं, इनके ओपन और कसते हैं क्लोज होने की क्रिया जो होती है रंध्रों पर निर्भर करती है, यानी इनमें जो होते हैं यानी स्टार्च और कह सकते हैं शुगर, इनके द्वारा जब ये परिवर्तित होते हैं, जैसे जैसे दिन और रात होती है उस तरह से इसमें जो एंजाइम की उपस्थिति में ये शुगर से मंड स्टार्च और स्टार्च से शुगर का निर्माण करती हैं, इस तरीके से इनमें परिवर्तित होते रहते हैं और रंध खुलते और बंद होते रहते हैं, यानी दिन के समय रंध खुले रहते हैं और रात के समय ये बंद हो जाती है। तो ये था मानव मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। इसके बाद अब आगे बात करते हैं हम इसमें प्रभावित करने वाले कारक, यानी इनके जो कारक होते हैं, यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी वास्तुसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनमें कारक आपका आता है जिसमें कह सकते हैं आपका आता है एयर यानी हवा। जब तेज हवाएं चलती हैं तब इनमें वास्तुसर्जन की क्रिया तेजी से होने, और दूसरा है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। जब इनका तापमान अधिक होता है तब इसमें वास्तुसर्जन क्रिया अधिक होती है। उसके बाद अगला है इसमें लाइट। जब इनमें प्रकाश की क्रिया तीव्र गति से पाई जाती है, प्रकाश अधिक होता है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है और ये रंध्र जो होते हैं खुल जाते हैं और जिनके कारण इनमें वास्तुसर्जन क्रियाएं तीव्र गति से होने लगती हैं। ये उसको प्रभावित करने वाले कारक थे, यानी ट्रांसपायरेशन के प्रकार और उसके क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांसपायरेशन, और लास्ट में उसको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये आज आप